नमस्कार, मैं करुणा और आपका स्वागत है मेरे चैनल माँ की रसोई विद करुणा पर। आज हम प्याज के पकोड़े बनाएंगे। बारिश का मौसम हो और गर्मा गर्म भजिए और पकोड़े हो तो मौसम का मज़ा तो दुगना हो ही जाता है। आप इन पकोड़ों को देखकर या खाकर बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे कि ये पकोड़े बेसन से नहीं बल्कि गेहूं के आटे से बने हैं, और साथ ही हम इसके बनाएंगे एक स्पेशल चटनी। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं प्याज के पकोड़े। और इसके लिए मैंने लिया है एक बाउल और इसमें हम डालेंगे एक कप गेहूं का आटा, और इसके साथ ही हम लेंगे आधा कप सूजी। ये बारीक सूजी है, यदि आपके पास मोटे दाने वाली सूजी हो तो आप उसे ग्राइंड कर लीजिए। और साथ ही हम डालेंगे 1/4 कप चावल का आटा, और इसमें डालेंगे हम एक कप ताज़ा दही। अब इन सभी सामग्रियों को हमको अच्छी तरह से मिक्स करना है और एक इसका हमें गाढ़ा बैटर बनाना है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर पानी ऐड करेंगे। पानी एक साथ ऐड नहीं करिए, इसका घोल हमें गाढ़ा ही बनाना है, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर पानी ऐड करेंगे। ये मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रही हूँ। इस तरीके से देखिए हमें इसका एक गाढ़ा घोल बनाना है, और लगभग इसमें एक कप पानी ऐड हो जाएगा। एक कप हमने दही लिया है और एक कप पानी, ये मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, और इसे हम अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इतना ही हमें इसको थिक रखना है इस तरीके से। और अब हम इसमें एक खीरा ग्रेट करके डालेंगे। ये मैंने एक खीरा लिया है, आप चाहें तो इसमें कच्चा आलू ऐड कर सकते हैं या लौकी ऐड कर सकते हैं। इस खीरे से इसमें बहुत ही बढ़िया और एक अमेजिंग सा टेस्ट आएगा, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। इस तरीके से देखिए मैंने खीरा ग्रेट कर दिया है, और इसमें देखिए इसका रस निकला है, इसलिए हमने वहाँ पानी ज़्यादा ऐड नहीं किया था। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये थोड़ा सा और पतला हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके से। और इसे हम लगभग ढककर आधा घंटे के लिए रख देंगे ताकि सूजी और आटा अच्छे से फूल जाए। और अब हम चटनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ली है ये आधा कप सीकी हुई मूंगफली, जिसके मैंने छिलके निकाल लिए हैं, और इसे हम इस मिक्सी जार में डाल देंगे। साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश धनिया पत्ती और फ्रेश पुदीना, इसकी मात्रा आप कम या ज़्यादा आप अपने अनुसार कर सकते हैं। और डालेंगे इसमें 2 से 3 हरी मिर्ची और आधा इंच अदरक का टुकड़ा कटा हुआ, और डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, और ये नमक स्वाद अनुसार नमक लेंगे। ये मैंने सादा नमक और ये थोड़ा सा काला नमक लिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चटनी में। और डालेंगे 1/4 का ताज़ा दही, और इसे हम अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। और इसी में साथ में मैं 1/4 का पानी भी ऐड कर रही हूँ, और देखिए मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, और बहुत ही बढ़िया कलर आया और बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया इसका। ये देखिए इतना ही गाढ़ा इसे हमें रखना है, आप पतला करना चाहें तो इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर लीजिए। और अब हम चटनी का तड़का बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक तड़का पैन लिया है, और इसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून तेल, और इसे गर्म करेंगे, और इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच उड़द दाल और 1 छोटी चम्मच राई, और इसे हम अच्छी तरह से सेक लेंगे लगभग आधे मिनट के लिए। ये देखिए अच्छे से चटक गई है राई भी और दाल भी अच्छे से सिक गई है। और अब हम इसमें डालेंगे 2 लाल मिर्च और फ्रेश कड़ी पत्ता, और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। ये देखिए हमारा तड़का तैयार है, और अब चलिए इसे हम डालते हैं उस चटनी पर। ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारी चटनी का टेस्ट हो जाएगा इस तड़के से। इसे हमने इसमें देखिए डाल दिया है, और अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इतना इसे हमें गाढ़ा रखना है, और इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट हो जाएगा चटनी का। ये देखिए इतना थिक इसे हमें रखना है। ये हमारी चटनी बनकर तैयार है। अब चलिए आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। अब हम लेंगे ये प्याज। ये देखिए मैंने मीडियम साइज़ की 5 प्याज ली हैं, इसे हमें पहले से काट के नहीं रखना है। लगभग आधा घंटा हमारे बैटर को भी हो गया है, तो मैंने ये प्याज भी काट कर इस तरह से लंबी लंबी तैयार कर ली हैं, ये देखिए इस तरीके से। और अब हम इसे एक बाउल में डाल देंगे,
और इसे हमें इस तरह से अलग अलग कर लेना है। ये मैंने इसको अलग अलग कर लिया है। और चलिए ये हमारे जो हमारा बैटर था इसको भी आधा घंटा हो गया है, ये भी अच्छे से फूल गया है। बस इतना ही गाढ़ा रखना है हमें, इसमें पानी ऐड नहीं करना है। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसे। और अब हम इसमें ये कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें पहले से नहीं डालना है, इसलिए अब हम बाद में डाल रहे हैं, नहीं तो क्या होता है प्याज पानी छोड़ देती है। इसलिए हम उसको जब बनाएंगे उसी समय हम इसमें प्याज ऐड करें। ये देखिए प्याज को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया और आधा छोटी चम्मच लिया है रेड चिली फ्लेक्स, आधा छोटी चम्मच कुटी हुई सौंफ, आधा छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और बारीक कटी 2 से 3 हरी मिर्ची, फ्रेश कड़ी पत्ता जिसे मैंने हाथ से इस तरह से छोटा छोटा तोड़ लिया है, और डालेंगे ग्रेट किया हुआ अदरक और फ्रेश धनिया पत्ती। अब इन सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यदि आप तीखा पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्ची की मात्रा बढ़ा सकते हैं। और ये देखिए मैंने सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इस तरह से गाढ़ा हमें इसका घोल रखना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और 1/4 छोटी चम्मच सोडा, ये बेकिंग सोडा है, इसे भी मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। इससे भजिए बहुत ही अच्छे बनेंगे, बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे बनकर तैयार होंगे। और ये देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसको रखना नहीं है, फटाफट से तलते हैं। तो इसके लिए हमने तेल गर्म करने पहले ही रख दिया था, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ये मैं तेल ले रही हूँ, ये हम इसमें भजिए में डाल देंगे। इससे भजिए बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, और अब हम एक एक करके भजिए इसमें छोड़ेंगे इन पकौड़ों को। इस तरीके से गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और तेल भी हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से सिकें और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे इससे। ये देखिए इस तरह से हमें इनको सेक कर तैयार करना है। बहुत ही बढ़िया कलर लग रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और आप जब भी इसको सर्व करेंगे इसको कोई नहीं पहचान पाएगा कि ये गेहूँ के आटे से बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए हमारे गर्मा गर्म पकौड़े प्याज के बनकर तैयार हैं। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। ये देखिए आप इसकी आवाज़ सुन पा रहे होंगे कि कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। साथ ही हमारी ये स्पेशल चटनी, और ये लीजिए हमारे पकौड़े बनकर बिल्कुल तैयार हैं। यदि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इसी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे चैनल माँ की रसोई विद करुणा पर। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।